हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं को बताने वाला हूँ फोन पे में अकाउंट को लिंक करके आप इंडिया के किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पैसा भेजने कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, आपको जीरो बैलेंस में पैसा ट्रांसफ़र होगा दोस्तों फोन पे से। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, और भी फैसिलिटी देखने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज, बिजली बिल पे करना, पानी का बिल भरना, पूरी फैसिलिटी आपको ये ऐप में देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर फ्रेंड्स चैनल पे तो सब्सक्राइब पर घंटे प्रेस किया, आपको यूट्यूब से ऐसे ही रिलेटेड वीडियो पर मिलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पे फोन ओपन करना पड़ेगा। पे फोन जैसे ओपन करेंगे इस तरह का पेज खुल कर आपके पास फ्रेंड्स आकर है। अगर फ्रेंड्स इसका अकाउंट आपने नहीं बनाया तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जाना साइड में, यहाँ पे लिखा माई मनी, इस पर क्लिक करना। और फ्रेंड यहाँ पे अकाउंट बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा एक बैंक है लिखा पेटीएम ब्रांड बैंक। अब फ्रेंड्स मुझे एक अकाउंट और लिंक करना, तो यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी बैंक की लिस्ट आ चुकी है, जो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका जो बैंक है वो बैंक को फ्रेंड्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स वो बैंक यहाँ पे नहीं आता, फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैंक का लिंक करना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा इलाहाबाद बैंक, इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे पहले मैंने इसको पहले मैंने से यहाँ पे ऐड कर रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे डन करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप ऐड करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे रिसेट यूपीआई पिन पे क्लिक करना, आपके पास यहाँ पे इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक नंबर डालने का, एक्सपायर मंथ डालने का, ईयर डालने का, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। मैंने पहले से इसको ऐड कर रखा है, आप मेरे पास इस तरह का पेज खुल कर नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स बैक आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए डन आ जाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स का बैलेंस चेक करना है तो यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक करना। और फ्रेंड यहाँ पे इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो पिन बना कर रखे हुए पिन को यहाँ पे डालेंगे। टिक मार पे क्लिक करना, टिक मार पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, 2204 रुपये बैलेंस है। चलिए बैक आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करना बैंक में, फ्रेंड्स यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे जैसे यहाँ पे टू अकाउंट पे जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है वो बैंक को यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना। और फ्रेंड्स पूरी बैंक की लिस्ट आ चुकी, जो बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं डालना चाहता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक LTD आ गया, इस पर क्लिक करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी आपको डिटेल्स भरनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना, वही अकाउंट नंबर नीचे में डालना कन्फर्म करने के लिए, IFSC कोड डालना, होल्डर का नाम डालना, किस व्यक्ति के नाम से अकाउंट है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई मैसेज लिख कर भेज सकते हो, वो मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं भर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी मैंने डिटेल्स भर दिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको नीचे में कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पर जैसे क्लिक करेंगे आप दूसरा पेज खुल के फ्रेंड्स आएगा। यहाँ पे अमाउंट मांगा जा रहा है, आप कितना अमाउंट बैंक में भेजना चाहते हैं वो अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना। फ्रेंड्स मुझे भेजना है यहाँ पे 1 रुपये भेजना, मैंने 1 रुपये से 1 रुपये भेज सकते हैं, 500 भी, 1000 भी, जितना टका भेजना चाहते वो यहाँ पे अमाउंट को डालेंगे। या फिर यहाँ पे ऐड मैसेज पे क्लिक करना, कोई मैसेज के पास भेज सकते, वो मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मेरा एक बैंक लिखा था। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए मैं जो उस बैंक से भेजना चाहते वो बैंक पर टिक मार करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना, सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास दूसरा पेज खुल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे MPIN मांगा जा रहा है, जो MPIN आप सेट करे थे। मार पे क्लिक करना, टिक मार पे जैसे क्लिक करें फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांजैक्शन थोड़ा फेल बता रहा है, चलिए डन हो जाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ पे पूरी मैं फिर से डिटेल्स यहाँ पे भर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना। और फ्रेंड पूरी बैंक लिस्ट है, जो बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक। और फ्रेंड यहाँ पूरी डिटेल्स आपको भरनी है, चलिए पूरी डिटेल्स भर देता हूँ। पूरी डिटेल्स मैंने भर दी, कन्फर्म पे क्लिक करना। कन्फर्म में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट मांगा जा रहा है, जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं वो अमाउंट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मुझे भेजना 1 रुपये। और फ्रेंड यहाँ ऐड मैसेज पे क्लिक, कोई मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ जो बैंक से भेजना चाहते हैं वो बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करें, चलिए ये बैंक पे भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना, सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा पेज खुल कर MPIN मांगा जा रहा है फ्रेंड, वो MPIN यहाँ पे सेलेक्ट करना। मार पे क्लिक करना, टिक मार पे जैसे क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका, मैसेज मेरे पास आ चुका है फ्रेंड्स। यहाँ से मेरा ट्रांजेक्शन से यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID दिखा देगी, जिस बैंक से मैंने पैसा ट्रांसफ़र करा नीचे में आएगा, वो बैंक में यहाँ जिस में भेजा गया वो ऊपर में आएगा। यहाँ पे हाई लिख के मैंने मैसेज वो बैलेंस यहाँ पे इसके पास ये मैसेज पहुँच चुका है फ्रेंड्स। और ये फैसिलिटी देखने की यहाँ पे फ्रेंड्स ये पैसा
अभी पैसा ये कहाँ पर है पैसा यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स, इसका देखना है पैसा गया कि नहीं है, स्टोरी पे जाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना 1 रुपये मैंने भेजा था, ये 1 रुपये सबसे ऊपर में आया यहाँ पे, इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी, ट्रांजेक्शन आईडी, किस बैंक में भेजा, कौन बैंक से भेजा, वो पूरी मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगी। अब फ्रेंड्स चलिए बैक रहता हूँ, और भी फैसिलिटी देखने फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज हुआ, डिश रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड बिल या पोस्टपेड रिचार्ज, पूरी फैसिलिटी आपको ये ऐप में मिलती है फ्रेंड्स आपको। चलिए फ्रेंड्स बैक आ जाता हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो को पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।